9 मई के वाकयात को बुनियाद बनाकर किस तरह इमरान खान और पीटीआई को ट्रैप किया गया, अब ये साजिश खुलकर सामने आ चुकी है और कौम ने सब अपनी आंखों से देख लिया है। जिस दिन से इमरान खान को एक साजिश के तहत हुकूमत से निकाला गया, उसी दिन से एक के बाद एक जाल बिछाया गया कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के जरिए तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केसेस में नाअहल करने से लेकर मजहब कार्ड इस्तेमाल करके कत्ल तक करने की कोशिश की गई। इसके बाद इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप पर जाली केसेस का सिलसिला शुरू हुआ और सिर्फ इमरान खान पर 100 से जायद FIRs काटी गईं, जिनमें दहशतगर्दी तक की दफात शामिल हैं। फिर भी इमरान खान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता गया। सर्वेज हों, जलसे हों, एहतजाजी रैलियां हों या फिर जिमनी इलेक्शन, पीटीआई ने हर मैदान में रिकॉर्ड कायम किया। जब कुछ भी ना चला तो फैसला किया गया कि इमरान खान और पीटीआई को कुचल कर ख़त्म या फिर कमज़ोर कर दिया जाए, यानी 9 मई बहाना है, पीटीआई निशाना है। 9 मई को इमरान खान को जिस तरह कोर्ट के अंदर से अगवा किया गया, इसका मकसद लोगों के गम गुस्से को हवा देकर एक बड़े पैमाने का रद्द अमल निकलवाना था। इमरान खान की मकबूलियत से साफ जाहिर था कि लोग ये सब फस्तायत देखकर सड़कों पर निकलेंगे और इसी गम गुस्से का फायदा उठाते हुए शरपसंद अनासर ने लोगों को वरगलाया और कोर कमांडर जैसे वाकयात रूनुमा हुए। फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा कहने वाले इमरान खान और उनकी पार्टी को 9 मई के वाकयात का बहाना बनाकर बगैर किसी तफ्तीश के फैसला हो गया कि तहरीक इंसाफ उसके वर्कर्स और सपोर्टर्स को गद्दार डिक्लेयर करके पूरी तरह कुचल दिया जाए, यानी 9 मई बहाना है, पीटीआई निशाना है। गौरतलब बात यह है कि बगैर किसी तफ्तीश के एक छोटे से गिरोह के अमल को पूरी पार्टी का कसूर करार दे दिया गया और फौरन ही पीटीआई के वर्कर्स, सपोर्टर्स और लीडरशिप की गिरफ्तारियों का आगाज हो गया। इस बात से कता नजर कि वो इन एहतजाजी रैलियों और कोर कमांडर हाउस जैसे वाकयात में मौजूद थे या नहीं। पूरे मुल्क, खासकर पंजाब में लीडरशिप, वर्कर्स और सपोर्टर्स की पकड़ धकड़ का सिलसिला फौरन शुरू हो गया। पीटीआई का वर्कर और सपोर्टर मुल्क में कहीं भी नजर आया तो उसे जबरन पकड़ लिया गया, यहां तक कि पीटीआई के झंडे वाली गाड़ियों तक का मुहासबा किया गया। ना औरतों को छोड़ा, ना बच्चों को और ना ही बुजुर्गों को, यानी 9 मई एक बहाना है, पीटीआई निशाना है। तकरीबन 10,000 लोगों को पकड़कर जेल में फेंक दिया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो पार्टी से लातालुकी का ऐलान करें। गौरतलब बात यह भी है कि तमाम पार्टी छोड़ने वालों को एक ही किस्म का स्क्रिप्ट पकड़ा दिया जाता कि वो उसे पढ़ लें और उनके सारे गुनाह माफ। ये एक ऐसा कानून है कि एक स्क्रिप्ट पढ़ने और पार्टी छोड़ने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ना तफ्तीश हुई, ना केस चला और ना ही जज साहब ने फैसला सुनाया। अगर ये लोग मुजरिम थे तो बगैर तफ्तीश के छोड़ कैसे दिया, और अगर ये लोग बेगुनाह थे तो फिर इनको पकड़ा ही क्यों था। इन सब बातों से जाहिर होता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, यानी 9 मई एक बहाना है, पीटीआई निशाना है। चलिए अगर मान भी लिया जाए कि 9 मई का वाकया इमरान खान के बयाने की वजह से पेश आया, तो इमरान खान का कोई एक बयान दिखा दें जिसमें उन्होंने फौज पर हमले किए या फिर लोगों को जलाओ घिराओ और तोड़फोड़ पर वरगलाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर पीडीएम की दीगर जमातों का माजी देखा जाए तो खासकर नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने खुलकर फौज पर हमले किए, यहां तक कि मेमोगेट और डॉन लीक्स जैसे स्कैंडल भी सामने आए जिससे पूरी दुनिया में हमारी फौज की जग घसाई हुई। लेकिन फिर भी इनमें से किसी जमात को इस तरह से कुचलने की साजिश नहीं हुई, बल्कि इन्हें हर दौर में नवाजा गया। नवाज शरीफ, जरदारी और इनके दीगर वुजरा की फौज मुखालिफ तकरीरों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन फिर भी ये लोग आज हुकूमत में बैठे हैं। ना इन पर गद्दारी के फतवे लगे, ना ही इनको जेल में डालकर फौजी अदालतों में इन पर और इनके वर्कर्स पर कार्रवाई हुई। यानी अगर फौज मुखालिफ बयान ही मयार होता तो आज नवाज शरीफ और जरदारी की पार्टियां हुकूमत में ना बैठी होती। यानी 9 मई बहाना है, पीटीआई निशाना है। 9 मई के वाकयात के बाद देखते ही देखते हुकूमत ने फौज के साथ यकजहती के लिए रैलियां निकालना शुरू कर दी और पूरी पीटीआई लीडरशिप के बैनर्स बनाकर चौराहों पर लगा दिए गए और उन्हें गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। हकूमती वुजरा ने पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का आगाज कर दिया जिसमें फौज की हिमायत और पीटीआई को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने की भरपूर कोशिश की गई। गौरतलब बात यह है कि पीटीआई की लीडरशिप ने हमेशा पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और आज तक पीटीआई के जलसों और रैलियों में एक गमला तक नहीं टूटा। इमरान खान ने भी हमेशा अपने हर खिताब में दोहराया कि फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। तो फिर 9 मई को
कौन से शरपसंद अनासर हैं जिन्होंने सोची समझे मंसूबे के तहत ये इंतशार फैलाया और इसका सारा मलबा पीटीआई पर डाल दिया। अवाम के पास इन तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं, क्योंकि कौम अब बाशऊर हो चुकी है और जान चुकी है कि 9 मई बहाना है, पीटीआई निशाना है।